ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन्स। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में हमारे आए हुए हैं आपके सामने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि इफ़ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स बिकम ऑब्सकर्ड देन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट विल चेंज। ओके, अगर ज्योमेट्रिकल फिगर ऑब्सकर्ड हो जाते हैं तो बच्चे का व्यवहार कैसा चेंज होगा? आपको बताना है कि टू ड्रॉ द शेप्स, टू ड्रॉज दो शेप्स, प्रेज इन शेप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ शेप एंड मैथमेटिकल काउंसिल प्लेट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, बताइए, एक बार सोचिए जरा कैसे करेंगे इसका जवाब। सर, ऑब्सकर्ड मींस ऑब्सकर्ड मीन्स समथिंग डिफिकल्ट टाइप, मतलब उलझाने वाले टाइप के हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ शेप्स आंसर, मतलब ऐसे जो आसानी से समझ में ना आए उनको हम बोलते हैं ऑब्सकर्ड, है ना? यस सर। ऑब्सकर्ड का मतलब होता है जो आसानी से दिखाई ना पड़े और मतलब धुंधले हों थोड़े से, ये टाइप का कह लो, है ना, धुंधले हों या जिनका बोध ना किया जा सके। ओके, नॉट वेल नोन भी होता है, अप्रसिद्ध टाइप के जो होते हैं ना, जो चीज़ उसको समझ में ना आ रही हो, मतलब ऐसे शेप जो उसने कभी देखे ना हो, है ना। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स उसके सामने आ गए हैं जो ऑब्सकर्ड हैं, तो आपको ये बताना है कि वो जो स्टूडेंट है, ओके, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा यदि उसने इस तरीके के शेप कभी देखे नहीं है, तो वो उसको देख करके वो क्या करेगा, उनको बनाएगा। प्रेज इन शेप, प्रेज का मतलब तो तारीफ करना होता है, यहाँ पे प्रेज इन शेप्स का मतलब मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि क्या है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ शेप एंड मैथमेटिकल काउंसिल प्लेट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, क्या लग रहा है? बच्चा देख करके सबसे पहले क्या करेगा उनको, बता सकते हैं? सर, मे बी ऑप्शन थर्ड। मे बी ऑप्शन थर्ड, क्लासिफिकेशन इज शेप। यस, बिल्कुल सही है, क्लासिफिकेशन इज सेफ ही मुझे भी लग रहा है। ओके, करेक्ट आंसर, क्लासिफिकेशन इज सेफ, क्योंकि उसके पास अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर्स में ऑब्सकर्ड हो चुके हैं, उसके पास और कुछ करने को है नहीं, तो क्लासिफिकेशन तो वो कर ही सकता है। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? द एकेडमिक पर्पज ऑफ मैथमेटिक्स दैट टीचर गेट्स इन द क्लासरूम इज कॉल्ड। ये देखिए मैथमेटिकल पेडागोजी का क्वेश्चन है। द एकेडमिक पर्पज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जो एकेडमिक पर्पज है, एकेडमिक उसका उद्देश्य वो क्या है जो शिक्षक क्लासरूम में मिलता है? एक चीज़ यहाँ पे रखना कि बात हो रही है क्लासरूम की, क्लासरूम में जो शिक्षक प्राप्त करता है वो क्या है? फर्स्ट, उसका प्रैक्टिकल पर्पज है, उसका जनरल पर्पज है, उसका पर्पज अचीव्ड है या स्पेसिफिक पर्पज है। यदि मैथ्स की बात की जाए तो जो पर्पज वो प्राप्त कर लेता है क्लासरूम में, दैट टीचर गेट्स इन द क्लासरूम इज कॉल्ड, उस पर्पज को हम क्या बोलते हैं जो वो प्राप्त कर लेता है? द एकेडमिक पर्पज ऑफ मैथमेटिक्स दैट टीचर गेट्स, मतलब साथ ही लिखा है कि प्राप्त भी कर लेता है, उस प्राप्त हुए पर्पस को हम क्या कहते हैं? पर्पस अचीव्ड। बिल्कुल सही है ना, प्राप्त उद्देश्य, लास्ट में लिखा जाता है उद्देश्य प्राप्ति, ठीक ना, बीएड में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सो पर्पस अचीव्ड, स्पेसिफिक पर्पस विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जनरल पर्पस सामान्य उद्देश्य एंड प्रैक्टिकल पर्पस, बट यहाँ पे गेट्स की बात की जा रही है, जो गेट प्राप्त कर लेता है। ओके, प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने हैं नहीं, प्राप्त कर लेता है, जो प्राप्त कर पाता है क्लास में उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका पर्पस अचीव्ड, ठीक है ना। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब होता है विशिष्ट उद्देश्य, जो मतलब कि एक तरीके की अलग टाइप की क्वालिटी डेवलप करते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, मगर ये पर्पस अचीव मतलब जो वाकई में वो प्राप्त कर चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? व्हाट इज द नीड ऑफ ओवरकम लर्निंग मिस्टेक एंड शॉर्टकमिंग, What is the need to overcome learning mistakes and shortcoming? What is the need to overcome learning mistakes and shortcoming? जी हाँ, What is the need to overcome learning mistakes and shortcoming? मतलब अध्ययन में उन चीज़ों से बाहर आना, मिस्टेक और शॉर्टकमिंग जो कमियाँ हैं, नीड टू ओवरकम, क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? लर्निंग मिस्टेक मतलब अध्ययन में जो गलतियां हो रही हैं उनको दूर करने के लिए, और कमियां जो रह गई उनको दूर करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, क्या चीज़ की जरूरत? थेरेप्यूटिक एजुकेशन, अचीवमेंट टेस्ट, माइक्रो टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड थेरेप्यूटिक एजुकेशन।
बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे लग रहा है मुझे, ये थेरापेटिक एजुकेशन होना चाहिए। ओके, क्योंकि बाकी तो सारे टेस्ट हैं, मगर बाकी चीज़ ज़रूरत के बारे में बताती है कि भैया सब कुछ हो चुका है, लर्निंग डिटेक्ट कर चुके हो, उसके बाद क्या करोगे। तो ये थेरापेटिक एजुकेशन इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ओके, मतलब उसे जो है बच्चे को थेरेपी एजुकेशन आपको देना पड़ेगा। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेहद ही बकवास घटिया क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ है नहीं। तो आठ और चार होते हैं 12, आठ और चार क्या होते हैं 12, आठ और चार होते हैं 12, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए कि दो लास्ट में आए, क्योंकि जीरो के साथ टू, तो बिना सॉल्व करे आंसर सी, ऑप्शन क्या होगा सी। क्लियर, क्लियर है, क्योंकि इकाई डिजिट में दो दे रहा है, इसका उद्देश्य आपको सॉल्व कराना नहीं है, बस लॉजिक चेक करना है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 72, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन मैथ्स का, करिए जल्दी से। द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 72, देन फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो सबसे छोटे ऑड नंबर का आपको सम फाइंड करना है। तो ये जो नंबर बनेगा आपके पास कितना बनेगा, ये नंबर बनेगा 4x+6, और 4x+6 इक्वल टू 72 कंपेयर कर देंगे, तो 72 में से 6 जाएगा तो कितना बनेगा। ओके, देखिए जो आपके पास जो ऑड नंबर, नंबर जो है हम लोग ओके एक ओके एक्स ओके 6 नहीं होगा, 4x+12 हो जाएगा, मुझसे गलती हो गई यहाँ पे, मैंने केवल टू टू का डिफरेंस देख लिया। देखिए पहला नंबर एक्स है, अगला नंबर x+2 होगा, फिर अगला नंबर दो और का गैप बड़ा होगा तो 4 हो जाएगा, और अगला नंबर x+6 हो जाएगा। तो 6, 4, 10, 2, 12, यानी कि जो टोटल नंबर्स का सम बना वो बना 4x+12, वो किसके इक्वल है, 72 के इक्वल है, तो 4x इक्वल टू हो गया 60, सो x इक्वल टू हो गया 15। आ गया समझ में। सो x इक्वल्स टू 15, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 40, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑड कंसेक्यूटिव ऑड टू नंबर, वही से तो लगातार 4x+12 इक्वल टू 40 कर दीजिए। ओके, तो 4x इक्वल टू 12, 40 माइनस 12 कितना आ गया, 40 माइनस 12। यस, इफ द सम, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज उमा शंकर जी। ओम सिंह परिहार, माइक ऑफ कर लीजिए। यस, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अपने पास द सम ऑफ द फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 40, बताइए ज्योति बन गया आपको। एक सेकंड सर, बस हो ही गया। फोर एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 40। एग्जैक्टली 40, तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव फोर ऑड नंबर है, एक्स इक्वल टू 6 आ रहा है। एक मिनट, द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 40। ओके, तो आपको लगातार ऑड नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, एक्स इक्वल टू 6 आ रहा है आपका। ओके, देखिए जो यहाँ पर आपके पास में जो नंबर आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑड नंबर की बात हो रही है, अगर आप इसको एज अ इवन, जैसे कि सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर इज 40, तो यदि आपने एक्स एक्स लेकर के किया है तो देखते हैं कि एक्स एक्स लेने से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे सामने, ठीक है ना। सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर, तो यदि पहला ऑड नंबर एक्स है तो अगला होगा x+2, फिर होगा x+4, एंड देन इसके बाद होगा x+6 इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे एक्स एक्स 2x, 3x एंड 4x, 4x+6, 4, 10, 2, 12 इक्वल्स टू 40। एक तो ट्रिकी है, तो 4x इक्वल्स टू 40 माइनस 12, तो 28। ओके, सो एक्स इक्वल टू 7 हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टू नंबर, तो इनके स्क्वायर का सम निकालना है। एक्स का स्क्वायर, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर को जोड़ना है, याद रखिएगा स्क्वायर को जोड़ना। ओके, फर्स्ट टू नंबर के स्क्वायर को जोड़ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर। सो एक्स पहला है 7 का स्क्वायर, और 7 प्लस 9 2, यानी कि 9 का स्क्वायर, 49 प्लस 81, 4981, 9 प्लस 1 10, 0 कैरी, 8 4 12 1 13, तो आंसर 130 ऑप्शन में है क्या। यस, करेक्ट आंसर 130 होना चाहिए, देख लेते हैं आंसर इज इक्वल्स टू 130 है क्या। सो द नंबर विल बी 7, 11, 13। ओके, यहाँ पे मैंने पूरा आंसर सॉल्व नहीं किया है, बट स्टिल क्योंकि ऑप्शन में 130 है,
तो आंसर क्या होगा 130। क्लियर हुआ? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 7 माइनस 5 माइनस 2? ये चलिए सॉल्व करिए, बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन है। सेवन माइनस फाइव माइनस कर्ली ब्रेकेट टू, देन प्लस फाइव माइनस फाइव प्लस सिक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? सेवन माइनस फाइव माइनस टू, तो सबसे पहले देखिए कौन सा। हाँ, जीरो ऑप्शन ही है इसमें, जीरो ऑप्शन, जीरो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है ऑप्शन में। तो सेवन माइनस फाइव माइनस कर्ली ब्रैकेट टू, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके, प्लस, तो देखिए पांच और माइनस का दो, माइनस का सेवन। ओके, अब माइनस सेवन प्लस सिक्स दैट इज इक्वल टू माइनस वन। क्लियर? यस। ओके, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद है ये। तो सेवन माइनस ब्रैकेट में फाइव माइनस, देखिए यहाँ पे टू है और ये हो जाएगा माइनस टू। क्लियर है? यस। टू से टू कैंसिल हो गया, मतलब जीरो हो गया, तो सेवन माइनस फाइव बचा, आंसर इक्वल्स टू टू आएगा। यस। ओके, तो ऑप्शन में टू है, बिल्कुल सही, ऑप्शन में टू तो है, ये देख लीजिए ऑप्शन में टू है, तो आंसर विल बी टू। टिक मारिए, डन डन। क्लियर है? आंसर इक्वल्स टू टू। ठीक है, एक सेकंड सर, वही वाला क्वेश्चन निकालूं क्या? यस, देखो। हाँ, एक सेकंड सर, ये जो है माइनस फाइव प्लस सिक्स माइनस टू, तो सिक्स माइनस फाइव हो जाएगा वन, वन माइनस टू माइनस वन। हाँ ठीक है, प्लस का वन और माइनस का टू माइनस वन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट सेगमेंट लेके आ गया, एनवायरमेंटल स्टडी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से। एनवायरमेंटल स्टडी बहुत बढ़िया मजेदार टॉपिक होता है। पहला, वो फर्स्ट यूज द टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी का टर्म किसने यूज किया था? रेटर, हंकाल, ओडोम, ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले इकोलॉजी का टर्म किसने यूज किया था? इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। सबसे पहले इकोलॉजी का यूज किसने किया था? सर हेकेल ने। किसने? इसमें लिखा है आइंस्टीन हेकेल ने लिखा था उसके बारे में। अच्छा 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 जो जो टर्म यूज किया था है ना, वो किसने यूज किया था? आपका कहना है हेंकल ने यूज किया था। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ बोलिए। हेंकल सर, वो एच ए सी के ई एल। ओके, उसका एच ए सी के ई एल है। यस। ओके ओके, ठीक है, तो उसको सही कर लेते हैं। ओके, इसको ऐसा नहीं करें, अपन इसको अलग से लिखें। इंटरेक्शन बिटवीन इकोसिस्टम है इसमें, और स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, बिल्कुल सही है। तो देखते हैं आंसर क्या है। एग्जैक्टली जो आंसर है वो हेकल ही है। ओके, द टर्म इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी है पियोडम। हाँ, और इकोलॉजी सबसे फर्स्ट बार 1869 में आर्नस्ट हेकेल ने यूज करा, और इकोसिस्टम का यूज करा इजी टेंसले ने। ओके, इकोसिस्टम का यूज किया इजी टेंसले ने। द वर्ड, द ग्रीक वर्ड इको व्हिच मींस टू द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड लिविंग प्लेस, एंड लोगोस व्हिच मींस द स्टडी, कंबाइनिंग क्रिएट द वर्ड इकोलॉजी। एग्जैक्टली, ओके, मींस स्टडी ऑफ लिविंग ऑफ प्लेस, place of living, okay? Yes, sir. Haeckel is the correct answer. Next question, which among the following gases in the atmosphere found in the highest amount? Okay, very simple question. Which of the... Okay, so in our atmosphere, the gas that is found the most in the given options, जो option दिए गए हैं, उसमें से कौन सी गैस यहाँ पे अपने पास पाई जाती है? आपने जवाब दे दिया है हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पे एक दी गई है आर्गन दी गई है। ओके, हीलियम दी गई है और कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है और हाइड्रोजन दी गई है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर
फिर उसके बाद इनर्ट गैसेस आ जाती हैं कुछ कुछ, क्योंकि नाइट्रोजन तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन वो में, भी नहीं है, ओके नाइट्रोजन है ही नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि कौन सी ज़्यादा अमाउंट में गई। हीलियम एटमॉस्फेयर में ज्यादा रहते हैं ना, हाइड्रोजन की परसेंटेज बताइए कितनी है एटमॉस्फेयर में, ज़रा चेक करिए। एक सेकेंड, हाइड्रोजन परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी जीरो है? पॉइंट जीरो जीरो फाइव परसेंट हीलियम 0.005%, ठीक है ना। तो इसे अब आप ये चेक करिए कि आर्गन की पोजीशन, आर्गन जो है इनर्ट गैस है, वो कितना है? सर वो तो ज्यादा रहता है आर्गन हाउ मच इट इज 0.9%। एग्जैक्टली। तो 0.9% इन सभी ऑप्शंस में जो दिया गया है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो है आर्गन है। क्लियर हुआ? यस सर, अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, क्या स्पेलिंग मिस्टेक है कह रहे हैं? फिर से, स्पेलिंग मिस्टेक है सर इसलिए उसमें आंसर तक नहीं जा पाए। ओके, ऑर्गन लिख रखा है इसने, ऑर्गन, ठीक ना। हाँ यस यस। तो एक बार परसेंटेज की बात कर लेते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है 78.8 है, ऑक्सीजन की परसेंटेज उसके बाद सेकंड हाईएस्ट गैस है 20.95, ऑर्गन जो होती 0.93, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, एंड नियॉन 0.002, एंड हीलियम 0.0005, एंड जो आपकी हाइड्रोजन होती है वो कितना बताया आपने? 0.05। 0.005% हाइड्रोजन और हीलियम इक्वली नहीं परसेंटेज नहीं 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 बताया नहीं नहीं हीलियम का कम है, हीलियम का कम है। देखिए हीलियम जो है 3 0 है, मतलब वो 10,000वें पार्ट में जाएगा और ये जाएगा 1,000वें पार्ट में, ठीक है। यस चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इज द सोर्स ऑफ अल्टीमेट एनर्जी फॉर एक्वेटिक सिस्टम और एनी अदर इकोसिस्टम। इसमें कह रहा है कि बताइए कौन सा सोर्स ऑफ अनलिमिटेड अल्टीमेट एनर्जी। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला एकदम। डीएनए, एटीपी, एडीपी एंड सनलाइट, विच इज द सोर्स ऑफ अल्टीमेट एनर्जी? एक्वेटिक के लिए एक्वेटिक इकोसिस्टम, ऑब्वियसली एक्वेटिक है, और एनी अदर इकोसिस्टम, किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है भाई? सनलाइट एग्जैक्टली, इसमें इतना टाइम लगना ही चाहिए। सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स है भाई एनर्जी का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है अरे सर, भाई 1 महीना आपने जल्दी कर दिया। ओके, दिस पांच इज तारीख को पाँच मनाया पाँच को मनाया, जाता इट इज 5 जून, 5 ऑफ जून। ओके, है सर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है वो 5 जून में आता है। ओके ओके, अर्थ यस अर्थ डे कब आता है? वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल 22 की 24 22 था सर, चेक करिए जरा। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल 22 अप्रैल, ओके बिल्कुल सही है ना। सो इसको लिख यस लीजिए वर्ल्ड अर्थ डे यस इज इक्वल्स टू 22 अप्रैल, ठीक ना। इसको याद करने की ट्रिक ऐसे समझ लीजिए कि जो ऐसा है, अप्रैल तो है सबको याद हो जाता है, 22 का मतलब अर्थ जो है गोल है, हाँ या ना। तो 22 को चाहे आगे से लिखो चाहे पीछे से लिखो, वो हमेशा गोल गोल हो जाएगा और वो बराबर आएगा, तो इसलिए अर्थ डे वो 22 अप्रैल। यस चलिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज भाई, अर्थ में केवल 22% पर लैंड है, बाकी जगह पर वाटर है, ये सुनो। तो वाटर किस फॉर्म में है? समुद्र की फॉर्म में हो जाएगा है, मतलब एक्वेटिक। सी एग्जैक्टली, सी बन जाएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो बनेगा वो समंदर का बनेगा, ठीक है ना। डेन, अब इसके बाद हाँ आपको मैच करना है थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें यस बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है और ये रिलेटेड एलिमेंट है। सर प्राइमरी प्रोडक्ट, आपको प्राइमरी प्रोडक्ट मैच करना है कि प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है। तो फर्स्ट किस में जाएगा बताइए?
सर अच्छा है तो सामने वाला हाँ प्राइमरी प्रोडक्ट किस में जाएगा बताइए। सर वो देखेंगे एक सेकंड, प्राइमरी प्रोडक्ट जाएगा ग्रीन प्लांट में, एग्जैक्टली प्राइमरी प्रोडक्ट जाएगा ग्रीन प्लांट में, देन इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर जो उसको खाएंगे, कौन खाएगा ग्रीन प्लांट को? ग्रीन प्लांट को काउ खाएगी। एग्जैक्टली ग्रीन प्लांट को जो है वो काउ खाएगी। ओके ग्रीन यस सर। ग्रीन प्लांट कंज्यूमर है, पहला प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो प्लांट चला गया, देन प्राइमरी कंज्यूमर जो है काउ बन जाएगी। एग्जैक्टली देन सेकेंडरी देन कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग बनेगा। एग्जैक्टली एंड देन उसके बाद डिकम्पोजिशन कौन करेगा? डीकम्पोजिशन फंगस। फंगस। मतलब आपका ऑप्शन है 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 4, 3 1 2 4, लेट्स सी करेक्ट आंसर इज 3 1 2 4। यस एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है 3 1 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज करेक्ट, इसमें से कौन सी फूड चेन करेक्ट है? कंज्यूमर, डिकम्पोजर एंड मैन्युफैक्चर। डिकम्पोजिशन, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चर। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैन्युफैक्चर, डिकम्पोजिशन, कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इसमें से कौन सी चेन करेक्ट है? जवाब दीजिए। सर फर्स्ट मैन्युफैक्चर, देन कंज्यूमर, देन डिकम्पोजिशन, नहीं फर्स्ट लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन मैन्युफैक्चर देन कंज्यूमर देन डिकम्पोजर। देखते हैं, बिल्कुल सही है। पहले मैन्युफैक्चर होता है फूड, देन उसके बाद कंज्यूम होता है, कंज्यूम होने के बाद जो है डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स आते हैं। ठीक है, तो आज की क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। हमने आज 72 स्लाइड तक कंप्लीट कर लिया है। अब ये क्लास 10th का वक्त हो रहा है। ओके सो दिस इज़ द टाइम टू टेक क्लास 10th। सो क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं, अगली क्लास में अपन करेंगे फिर। ओके थैंक यू बच्चों।